हमारे सब्सक्राइबर के माध्यम से यह वीडियो हम तक पहुंचा है। जानकारी अनुसार वीडियो साफिया स्कूल के पास की है, जहां स्कूल में पार्किंग की सुविधा ना होने के कारण स्कूल के बाहर ट्रैफिक जाम की वजह से राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भिवंडी शहर महानगर पालिका की दिखी लापरवाही। तस्वीर साफिया स्कूल के बाहर की है, जहां गटर को साफ कर गटर का कचरा वहीं छोड़ दिया गया, जिससे वो कचरा वापस गटर में जाता दिखाई दे रहा है। भिवंडी के रिजवान सेठ चालबागे फिरदौस रोड में रहने वाली 16 वर्षीय सानिया मोहम्मद सादिक अंसारी 8 सितंबर 2022 से अपने घर से लापता हुई। परिवार के सदस्यों ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग का मामला दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर युवा अध्यक्ष राहुल छगन पाटिल भिवंडी के भंडारी कंपाउंड क्षेत्र में विराजमान गणपति बप्पा के आशीर्वाद के लिए अपने सहयोगियों के साथ पंडाल में किया दर्शन। आतिशबाजी के साथ नारियल शॉल देकर किया गया सम्मान। 10 दिन बप्पा की सेवा पूजा आरती कर नम्र आंखों से भक्तों ने बप्पा को दी विदाई। विसर्जन घाट पर दिखा भक्तों का तांता। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड में छगन पाटिल मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष छगन पाटिल, पूर्व नगर सेवक राहुल पाटिल, समाज सेवक रोहित पाटिल द्वारा अनंत चतुर्थी के पावन पर्व पर भंडारे का किया गया आयोजन। 5000 से भी अधिक गणेश भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर भंडारे का लिया लाभ। ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ का 96 वर्ष में आज हुआ निधन। स्कॉटलैंड में ली आखिरी सांस। महंगा हुआ विदेशों में चावल भेजना, सरकार ने लगाया एक्सपोर्ट टैक्स। सरकार ने गैर साबरमती चावल पर कुछ वैरायटी के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। मुंबई में एक इमारत पर बिजली गिरने का अविश्वसनीय क्षण, वीडियो वायरल।